हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक के एक और ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, दैट इज cos c plus cos d is equal to 2 times of cos c plus d by 2 and cos c minus d by 2। ऑलरेडी इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे इक्वेशंस को प्रूफ किया है। आज इसके बारे में भी देखेंगे कि इसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? तो नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और हमने जो इससे पहले वाले जो इक्वेशन देखे हैं उसके बारे में, उससे हम इसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोगों को पता है कि हम अगर cos a plus b का फॉर्मूला अगर देखते हैं तो cos a plus b का फॉर्मूला क्या आता है, cos a into cos b minus sin a into sin b। ये एक चीज हो गई, सभी को पता है इसका। दूसरा एक और इक्वेशन है इसी से रिलेटेड, cos a minus b का, वो भी लिख देते हैं। वो अगर लिखा तो वो आता है cos a into cos b plus sin a into sin b। अब यहां पर क्या है, सपोज हम अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो क्या होता है वो देखेंगे। अगर इन दोनों को हमें ऐड करना है तो इनको अगर ऐड करने के बाद जो इक्वेशन बनता है वो क्या होगा, cos a plus b plus cos a minus b। यहां तक आया, यहां पर इन दोनों को इन दोनों के साथ ऐड करने गए तो ये दोनों अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे। cos a into cos b plus cos a into cos b, क्या आएगा आंसर, 2 times of cos a into cos b। ये आ गया। अभी तक के लिए सब समझ में आ रहा होगा, ये सब प्रीवियस बहुत सारे इक्वेशन है जैसा इसे हमने ऐसे ही प्रूव किया है। अब उसके बाद सपोज हम कंसीडर करते हैं सी और डी को अगर पुट करना है तो पुट ए प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू डी। कहां से उठाया हमने इस चीज को, यहां से a प्लस बी को c मान लो, a माइनस बी को d मान लो। क्यों? यहां पर c लाना है और यहां पर d लाना है, बस इतनी सी बात है। दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो b गेट कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a 2a इज इक्वल टू c प्लस d। 2 यहां मल्टीप्लाई है, यहां जाते हो क्या होगा, डिवाइड, दैट मींस c प्लस d डिवाइडेड बाय 2, दैट इज योर फर्स्ट वैल्यू। ओके, फर्स्ट वैल्यू आ गई आपके यहां पर। अब दूसरे बारे में बात करते हैं, ये एक बार प्लस के लिए हो गया है, अब ए की वैल्यू अगर मिल चुकी है तो बी की भी निकालनी पड़ेगी। तो मान लो अगर इसको यहां पर मैं इक्वेशन 1 था तो इक्वेशन 2 था, तो इक्वेशन 1 में मैं पुट कर देता हूं, पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। चलो तो यहां पर अगर पुट कर दिया जाए ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ए की वैल्यू क्या पुट करनी है, सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 प्लस बी इज इक्वल टू सी। ये फ्रैक्शन यहां पर पॉजिटिव है, वहां जाता नेगेटिव होगा, दैट मींस बी इज इक्वल टू सी माइनस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इनटू सी 2c, अगर 2c माइनस, यहां पर अगर इसको सॉल्व करें जाए ये इस तरीके से आएगा, माइनस डी हो जाएगा ये भी डिवाइडेड बाय 2। यहां पर एक सी कैंसिल कर दीजिए तो बी का वैल्यू क्या बन रहा है आपका, c माइनस डी डिवाइडेड बाय 2। अब ये दोनों वैल्यू मिल गए a और b की, तो बस बात हो गई। यहां पर अब हमें क्या करना है, हमारा जो इक्वेशन प्रूफ कराना था, व्हाट इज द cos c, c का वैल्यू क्या है, तो ये देख लीजिए यहां पर आपको जो ये इक्वेशन बन रहा था, ये जो दोनों इक्वेशन को आपने ऐड किया है, बस वहां पर a प्लस b की जगह पर क्या पुट करना है, c पुट करना है। मैंने यहां पुट कर दिया cos c प्लस दूसरा इक्वेशन कौन सा था, cos a माइनस b, a माइनस b मतलब कितना होता है b, तो cos d आ गया इज इक्वल टू इन दोनों के एडिशन का जो रिजल्ट बना था वो ये बना था 2 cos a cos b, तो ये आपका आ गया 2 cos, उसे मैं यहां पर लिखता हूं, रुके, 2 cos a की जगह पर वैल्यू क्या पुट करोगे, c plus d by 2 और b की जगह पर क्या पुट करोगे, c minus d divided by 2। और यही चीज आपको यहां पर प्रूफ करने को बोली गई थी। आई होप सो आपको समझ में आया हो, पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर एग्जैक्टली इसके वाइस वर्सा cos c plus d अगर आप सॉल्व कर चुके हो
तो इसी को प्रोसेस को बस फॉलो कीजिए, इसी इक्वेशन को बस ऐड की जगह पर सब्सट्रैक्ट करना है और cos c minus cos d का फॉर्मूला डिराइव कीजिए। वीडियो को एक मिनट के लिए पॉज कीजिए, पहले खुद ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद आप चाहो तो फिर देख सकते हो कि उसे कैसे प्रूफ किया गया। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, तब तक के लिए नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिया आपने, तो अब यहां पर हमें किस चीज का प्रूफ देना है, cos c minus cos d is equal to, इक्वेशन आता है 2 टाइम्स ऑफ sin c plus d sin d minus c by 2, इसको प्रूफ करना है। आपने ट्राई कर लिया होगा, अब जो चीजें हैं उसे फिर से बार बार रिपीट करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बस जो एडिशन है उसकी जगह पर आप सब्सट्रैक्शन करना है, तो कैसे होगा उसके बारे में देखेंगे। वही चीज फिर से कि अगर आपको इसको प्रूफ करना है cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d, तो उसका वैल्यू किस में आएगा, साइन के फॉर्म में आएगा, तो वो कैसे आएगा वो देखना है हमें। फिर से वही चीज, दो फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको यहाँ पर, हाँ, cos a प्लस बी और cos a माइनस बी। जैसे हमने लास्ट टाइम किस चीज को प्रूफ कर रहे थे, cos c प्लस cos d, यहाँ पर प्लस था ना, इसके लिए हमने इन दोनों इक्वेशन का एडिशन किया था, बट आपके पास सब्सट्रैक्शन है तो मैं सब्सट्रैक्शन करूंगा, बस अब हो जाएगा फॉर्म। ये आ गया आपका cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। अब ये अगर है तो यहां पर ये माइनस आ जाएगा, इसका मतलब cos a cos b माइनस cos a cos b कैंसिल, यहां पर ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस। तो अब इसे अगर इस चीज को अगर आपको ये करना है तो क्या हो गया, यहाँ पर ये साइन है साइन भी, यहाँ पर भी साइन है साइन भी, इज इक्वल टू, इनका जो वैल्यू आपका आया है वो कितना आया है उसको उसको अगर देखना है तो एक्चुअली वो ऐसे आया है कुछ, टू माइनस टू साइन ए इंटू साइन बी, इस तरीके से आया है। फिलहाल के लिए हम ऐसे लिखते हैं, फिर आगे देखेंगे कि वहां तक कैसे आना है। ओके, अब ये प्रूफ होने के बाद हम लोगों को यहां पर वही चीज करनी है जो लास्ट टाइम की थी, पुट a प्लस बी इज इक्वल टू सी और a माइनस बी इज इक्वल टू डी। बस अब यहां पर अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे फिर से, ये दोनों कैंसिल, ये 2a इज इक्वल टू, ये क्या बन गया आपका c प्लस डी। यहां पर ये 2 मल्टीप्लाई हो जाते हैं, क्या होगा डिवाइड, ए का वैल्यू बन गया सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2। अब दूसरी चीज को प्रूफ करेंगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ए माइनस बी इज इक्वल टू डी, माइनस कर लेते हैं, माइनस करेंगे तो ओके सॉरी, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन वन, कौन सा इक्वेशन है यहाँ पर, फिर वही है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ए का वैल्यू आप पुट कर दीजिए सी प्लस डी बाय 2 प्लस बी इज इक्वल टू सी, बी को वहां भेजेंगे आपका वैल्यू बनेगा सी माइनस डी बाय 2। यहां तक आने के बाद अब आपको क्या करना है, आपका जो इक्वेशन है जो बना हुआ इक्वेशन है वहां पर उसे पुट करना है। आपका इक्वेशन जो बना था ना वो क्या था, देखिए cos a प्लस बी प्लस सॉरी माइनस cos a माइनस बी, इस तरीके से था ना, इज इक्वल टू, उसे क्या प्रूफ किया था इन्होंने, माइनस 2 टाइम्स ऑफ sin a इंटू sin b, a प्लस बी का वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर बनाया आपने c, तो ये आ गया आपका इसकी जगह पर cos c माइनस ए माइनस बी की जगह पर क्या वैल्यू डी, तो वैल्यू आ गया कॉस डी इज इक्वल टू माइनस 2, यहां पर क्या आया है साइन ए, व्हाट इज द साइन ए, ए का वैल्यू आ रहा है साइन सी प्लस डी बाय 2 इनटू साइन, क्या आ रहा है बी, बी का वैल्यू क्या है सी माइनस डी ना, अभी के लिए मैं पहले ऐसे लिख देता हूं सी माइनस डी बाय 2, बट
ये माइनस साइन को अगर हमें यहाँ पर देखो आप ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर माइनस साइन नहीं है और यहाँ पर सी माइनस डी नहीं है, बी माइनस सी रेशियो बोलो तो मान लीजिए अगर मैं साइन इंटरचेंज कर लेता हूं तो इसे ही आप ऐसे लिख सकते हो टू टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाय टू, बस इतनी सी चीज। आई होप आपको इसे समझ में आई हो, अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के मल्टीपल एंगल्स और अलाइड एंगल सब मल्टीपल एंगल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे इक्वेशन को प्रूफ कर सकते हो आप लोग। फिर बार बार वही चीज, चाहो तो आप इसी इक्वेशंस को रट के भी याद रख सकते हो, ऑलरेडी सिलेबस बहुत ज्यादा है, बट ये वीडियोस उन बच्चों के लिए है जिनको इस चीज को जानने में इंटरेस्ट है कि ये चीज आखिर आई कहां से है, कैसे आप प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपका प्रिपरेशन जारी रखिए, कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी क्यूरी हो कोई भी क्वेश्चन को रिलेटेड तो आप हमें बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए थैंक यू।